लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिया कैसी है? वो तुम्हें बहुत याद करती है। सुजन, सुजन, वो हमेशा पूछती रहती है मम्मी वापस कब आएगी। सुजन, सुजन, आईना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अंडरस्टैंड? जो नुकसान तो हमें हुआ है, हमें हमें बहुत नुकसान हुआ है जो, तुम समझ नहीं पाओगे। रिलैक्स सुसन, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुसन, I'm sorry, मैं सुसन, मैं और मेरी बात सुनो, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो इसको इसको रोकना होगा। इस has to stop. This has to stop. जो हम सुसन, मेरी बात सुनो सुसन, सुसन, ये मुझे करना होगा। मेरी बात सुनो सुसन, ये मुझे करना होगा। सुसन प्लीज, सुसन, ओ सुसन, डोंट, सुसन, No, Susan, no, no! Susan! Help! Help! Help!
Thanks so much, Natasha. It was a pleasure working with you. It was great working with you, too. So, what do you think? I don't think it's a good idea. Excuse me. Sure. Hi, Natasha. Hi, Pia. Excuse me, sir. Yeah. One photo? Sure. Pia, I need to talk to you. Pia. Hello? Hey, Carol. What's up? Dad ko heart attack hua. What? लोग यहां हवा है पापा ठीक हो बेटे
थैंक गॉड इट वॉज अ माइल्ड हार्ट अटैक. अच्छा हुआ नेबर्स ने सही वक्त पे मुझे फोन कर दिया. और तुमने इन्हें फोन करके यहाँ बुलाया? पापा दिस इज सीरियस, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. या डैड, शी इज राइट. अब तो करना ही पड़ेगा, ये जो आ गई है. डोंट वरी पिया, अंकल कल डिस्चार्ज हो जाएंगे. थैंक्स अ लॉट कैरल, पता नहीं तुम ना होती तो. कम ऑन पिया, डोंट बी सिली. यू नो कितनी बार पापा को कहा है कि यहाँ नहीं आया करें, लेकिन हमेशा न जाने क्यों कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ आ ही जाते. पिया दिस इज वेयर ही इज द हैप्पीएस्ट, यहाँ उनकी जिंदगी के सबसे हैप्पीएस्ट दिन बीते हैं और सैडेस्ट भी. He's fine now. He's resting. Oh. Hey, Vic. Pia told me your movie has shaped up really well. Yeah, actually it has, you know. Oh, lovely. And what about your college? How's everything? College? Oh, I forgot. मुझे अपनी thesis submit करनी है. मैं कल आती हूँ. Thesis submit करनी है या आदित्य से मिलने जाना है? Stop it, Pia. Take care. Bye. Bye, Vic. Take care. Bye, Carol. Happy birthday to Dia. Happy birthday.
थी यहाँ पे, वो यहाँ पे थी। कौन? दिया, दिया यहाँ पे थी। Relax, it's just a dream, Pia. तुम इतने साल बाद इस घर में आई हो, तुम्हारा बचपन गुजरा दिया के साथ यहाँ पर। Obviously you're gonna think about her. Relax, okay? वही जगह है ना? वैसे तो मैं हर वक्त उसके साथ ही रहती थी, पता नहीं उस दिन I was not with her. इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। चलो घर आ गए। थैंक गॉड। आर यू डैड? थैंक्स बेटा। तो कैसे चल रही है तुम्हारी फिल्म? इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस दो दिन का काम बाकी है। वो मैं वापस जाते ही खत्म कर लूंगा। आई एम रियली फीलिंग गिल्टी विक यार, मेरी वजह से तुम्हें अपनी फिल्म। Don't say that. Tracy, what happened? Relax, Tracy. Calm down. What happened to you? Relax. Sit down. Calm down, baby. What happened? Oh, my baby. Oh, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? दिया थी यहाँ? क्या? कोई नहीं है यहाँ। बिलीव मी, यहाँ मैंने अभी दिया को देखा। हाउ इज दैट पॉसिबल पिया? दिया मर चुकी है। लिसन, दिया यहाँ थी। बिलीव मी, पता है कैरल, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरे आसपास कोई है? कोई समझता नहीं है।
Pia, what's the problem? Is everything all right? तुम कल रात भी परेशान थी। देखो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है पिया। You seem stressed about something. Is it Vic? You know, मुझे लगता है कि Vic और नताशा, yeah. नताशा वो उसकी फिल्म की हीरोइन? That's right. Oh. जब भी सुबह न्यूज़पेपर खोलते हो तो उन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा। कम ऑन पिया, तुम्हें पता है ना ये न्यूज़पेपर वाले तो कुछ भी लिख देते हैं और आधे से ज्यादा टाइम तो वो सब झूठ ही होता है और आधे से ज्यादा सच है ना। इस आधे सच को मानकर तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। कैरल, आई एम प्रेग्नेंट। दैट्स ग्रेट न्यूज। अब तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होगी। दिस इज द राइट मोमेंट। यू नो, पता नहीं ये सही वक्त है या नहीं, मैं थोड़ी नर्वस हूँ इस बच्चे को लेकर। सोचना भी मत ऐसे, पता है ना इट्स अ सिन। पिया जाकर विक से बात करो, बिलीव मी सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार मिलता है और उसका एहसास तुम्हें सिर्फ तब होगा जब तुम उसे खो दोगे। ये मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। ये देखो, दिया की फेवरेट डॉल। वो हमेशा इसे अपने साथ रखती थी और जब वो इस दुनिया से चली गई तो हमें लगा कि दिया इस डॉल के बिना अधूरी है। दिया के साथ हमने इस डॉल को भी दफना दिया और बस उस दिन के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा, सब बदल गया। सुजन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। पापा, पापा क्या हुआ दिया को? दिया तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दिया कुछ बोलते क्यों नहीं? दिया, दिया कुछ बोलो दिया। दिया की मौत के बाद सुजन पागल हो गई और हमें उसे मेंटल असाइलम ले जाना पड़ा। हेलो, या जस्ट अ सेक, एक्सक्यूज मी, आ जाऊंगा यार। देख, समझने की कोशिश कर। पिया नीच मी राइट नाउ और तुझे मालूम है हमारे बीच में वैसे ही इतना स्ट्रेस है। तू एक काम कर, उसे कह दे कि अगले हफ्ते की डेट दे दे। कुछ भी कह दे यार। डैम इट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक काम कर, कह दे कि आई एम स्टक ओवर हियर। ओके, आई एम स्टक। आई विल कॉल यू बैक। बाय। यू नो व्हाट विक, पापा को मैं संभाल लूंगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। चला जाऊं कहां और क्यों चला जाऊं? What is wrong with you, Pia? तुम खुद अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। यू नो, यू आर डाउटिंग मी लाइक दिस इज ड्राइविंग मी क्रेजी। दूर कर दिया तुमने मुझे अपने आप से। Forget it. Just forget it. इन्हीं दूरियों को तो मिटाने आई थी। विक, आई एम प्रेग्नेंट। या यू नो आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। आई एम सो हैप्पी। I'm sorry. I'm really sorry.
भी है जवान तो भोले से नैना सच बोले है ना चाहतों का है समान ख्वाहिशे भी है जवान कहना के साए में तुझको आ मैं छुपा लूं ढूंढेगा जमाना तू कहां ना बताना Happy birthday, Pia. I love you.
Happy birthday. Thank you. Dad, आपके लिए एक और गुड न्यूज है. Pia is pregnant. मुबारक हो बेटे. Thank you, Dad. अरे केक तो काटो, guys. Yeah, come on, come on. Blow the candles. Oh. Happy birthday to you. Oh!
यहाँ हो तुम। गुड मॉर्निंग बेब्स। यू नो मैं सोच रहा था हमारा जो स्टडी है ना उसे हम तोड़कर अपने बच्चे का रूम बना देते हैं। यू नो मेक इट नाइस एंड कलरफुल फिल्ड विद लॉट्स ऑफ टॉयज। या तुम कैरल को अंदर ले जाओ। आदि जब से पिया यहां पे आई है वो कुछ अजीब बिहेव कर रही है। मुझे शक है कुछ अननेचुरल हो रहा है इस घर में। डैड। हाँ विक। Where is the fuse box? नीचे गैराज में। ओके। मिला? वही है दरवाजे के पीछे। हाँ हाँ मिल गया। लाइट आ गई। पिया तुम यहां इस वक्त? पिया मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है। आई नो जब से तुम यहां आई हो तुम्हें दिया का दिखाई देना और अब ट्रेसी का हादसा। पिया तुम ट्रेसी से बहुत प्यार करती थी पर उसकी मौत पे तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ऑड बिहेव कर रही थी। आई हैव नेवर सीन यू बिहेव दिस वे नेवर। ये इश्यूज ऐसे रिजॉल्व नहीं होते। पिया तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। तू चल मेरे साथ मैं तुझे आदित्य से मिलवाती हूँ। वो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है एंड ही विल हेल्प यू। तुम आदित्य से मिलवाना चाहती थी ना? चल चलते हैं। उससे पहले कहीं लंच करते हैं, ठीक है? मैं अभी आई।
ओके बाबा, बस लंच के बाद ही पिया और मैं आ रहे हैं. ओके परफेक्ट. आदि, आई कॉल यू राइट बैक. पिया, कहाँ तुम? मैं पिया. अरे पिया और मैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं. हेलो हेलो, O Lord, our God, you are the source of our life. In you we live and move and have our being. Keep us in life and death in your love and by your grace. Lead us to your kingdom through your Son, Jesus Christ, our Lord. Eternal rest grant unto her, O Lord, and may the perpetual light shine upon her, and may her soul rest in peace. From dust you came, to dust you shall return. Jesus Christ, our Savior, shall raise you up on the last day. You gave her life. Receive her in your peace, and give her to Jesus Christ. Kuch unnatural ho raha hai is ghar mein. करके पिया के साथ. I'm really sorry. 1 minute. तुम्हारी वाइफ पिया, इट्स अबाउट हर, शी नीड्स हेल्प. आदित्य मोटवानी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, वहीं मिलूंगा. समझ सकता हूं तुम कैसा फील कर रही हो. कैरल वॉज योर बेस्ट फ्रेंड. यू नो पिया, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा. लेट्स गो बैक टू मुंबई. बस कुछ दिन और. Thank you.
पिया, 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 ओपन द डोर, हाँ, ओपन द डोर, पिया। इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। She is in shock. पर अब नींद का इंजेक्शन दे दिया है मैंने। I think everything will be all right. Okay? एक दो दिन हम उनको यहाँ रखेंगे, just to monitor her. And then we will discharge her. Everything will be all right. Don't worry. Okay? Dad, listen to me. Doctors कुछ नहीं कर सकते। Stop it, Vic. How do I explain it to you? जैसे आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? Dad, वो पिया नहीं थी, उसमें कोई और था। मैंने अपनी आंखों से देखा। She needs help. I don't know how, but she needs help. डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब उसे आराम करने की जरूरत है। प्लीज लीव हर अलोन।
ये क्यों ये सजाए पाई है मैंने ऐसे बेवजह मुझको है कहना मानूंगा मैं ना मेरे खुदा है तेरी जो रसा दुनिया में मेरी क्यों अंधेरा दिल में है मैं जानता था तुम जरूर आओगे आखिर उसने अपना रूप दिखा दिया ना दरअसल किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि भूत प्रेत आत्माएं होती है यही तो आत्माएं चाहती हैं यही तो उनका खेल है पर सच बात तो यह है कि हमारी दुनिया से अलग उनकी भी एक दुनिया है वो भी हमारे साथ है हमारे चारों ओर पर वो हमें तब तक दिखाई नहीं देते जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहते और जब वो दिखाई दें तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है आदित्य कैन यू हेल्प मी मुझे पिया को देखना है How are you, बेटे? Doctor, do something. Grab Alex, quick.
अभी कुछ और टेस्ट करवाए हमने, उनके रिजल्ट्स आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वैसे सिम्टम्स तो एपिलेप्सी के लग रहे हैं। साइकोटिक एपिलेप्सी, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशंस, ये सारे डॉक्टरी टर्म्स हैं पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ चीज़ें मेडिकल और साइंस से ऊपर होती है विक। राइट नाउ पीआई इज इन द फोर्थ स्टेज ऑफ पोजीशन। क्या पीआई की जान को खतरा है? हो सकता है। पोजीशन के पांच स्टेजेस होते हैं। नंबर वन, मैनिफेस्टेशन। यहां आत्मा अपने शिकार पर नजर रखती है। इन्फेस्टेशन, यहां आत्मा अपने शिकार को अपने होने का एहसास दिलाती है। ऑप्रेशन, आत्मा अपने विक्टिम को सबसे अलग रखना चाहती है। पोजेशन, आत्मा विक्टिम के बॉडी में एंटर करती है और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करती है। एंड द फाइनल स्टेज, डेथ। आत्मा विक्टिम को मारकर अपना मकसद पूरा कर लेती है। क्या हम पिया को फिफ्थ स्टेज में जाने से रोक सकते हैं? हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं विक, इसके भी हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह आत्मा है किसकी। मैं जानता हूं दिया, उस दिन फ्यूनरल पर मैंने उसे देखा था। दिया पिया की जुड़वा बहन, जो 5 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में मर गई थी। You know, जिस दिन से हम यहाँ हैं, पिया मुझसे कहती गई कि मैं दिया को देख सकती हूँ, and I didn't believe her. I think Vic, तुम्हें दोबारा उस ग्रेवयार्ड में जाना चाहिए। शायद वहीं से हमें पता चलेगा कि दिया का असली मकसद क्या है। Thank you.
फेवरेट डॉल है। वो हमेशा इसे अपने साथ रखती थी। दिया के साथ हमने इस डॉल को भी दफना दिया। पंछी और पेड़ों को भी शूट किया। पूरा दिन बड़ी परेशानी लाल मेरे को पेंटिंग होता है। ये दोनों सुनते हैं ऑगस्ट दे वांट मी टू ड्रेस अप नहीं कर पाई, पागल हो गई और हमें उसे मेंटल असाइलम ले जाना पड़ा। सुजन एल्व्स, अच्छी तरह याद है मुझे ये केस। शी वॉज मेंटली अनस्टेबल। इन मेडिकल टर्म्स हर कंडीशन इज कॉल्ड OCD, Obsessive Compulsive Disorder. When she was brought here, वो किसी से बात नहीं करती थी, पर कभी कभी वो बहुत वायलेंट हो जाती थी। उस वक्त उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। आईना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान तो हमें हुआ है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। It has to stop. This has to stop. जो I'm sorry. ये मुझे करना होगा। I feel really bad. We couldn't do more for her. वो ठीक हो सकती थी अगर उसे यहाँ पहले लाया जाता। क्या मतलब? हमारे डायग्नोसिस के हिसाब से वो पहले से ही क्लिनिकली डिप्रेस थी। मच मच बिफोर शी गॉट हियर शी हैड अर्ली साइंस ऑफ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बट नोबडी डायग्नोस्ड इट। साहब, वो पागल नहीं थी। तो चाहे कुछ भी कह ले, उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। रुकना होगा। दिया के साथ हमने इस डॉल को भी दफना दिया। हमारी दुनिया से अलग
उनकी भी एक दुनिया है। उस पर कैसी बुरी आत्मा का साया था। हेलो सर, योर डीवीडी इज रेडी। ठीक है, मैं आ रहा हूं। Happy birthday to you, happy birthday to Pia, happy birthday to Dia, happy birthday to you. Happy birthday. Dia, yahan dekho, papa smile. Dia, na, ye lo, tum shoot karo. जल्दी दो। अरे आराम से पापा, ये सब छोड़ो, हम और खेलने आओ ना। नहीं बेटे, मम्मी के साथ खेलो ना प्लीज। ओके बाय। दिया दिया चलो मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी मम्मी बाहर खेलने आओ ना हमारे साथ। मम्मी आओ ना, मम्मी प्लीज चलो। नहीं अभी नहीं, तुम जाओ तुम जाओ जाओ जाओ। चलो दिया हम बाहर खेलने जाते हैं। हाँ चलो दिया जल्दी आओ। अरे मैं आ रही हूँ ना। दिया कैमरा छोड़ दो, यहाँ आओ पूल के पास। नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अरे डरो मत, मैं हूँ ना। दिया जल्दी आओ। आओ बैठो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? दिया क्या कर रही है? दिया से बहुत प्यार करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो इसीलिए दिया वापस आई है अपना बदला लेने। पर वो ऐसा क्यों करेगी? उसने तो मुझसे कहा था कि उसने वो दिया के साथ नहीं थी। दिया के डॉल का वापस आना और वो टेप देना, शायद दिया हमें बताना चाहती हो कि उसे किसने मारा। आई कांट बिलीव इट, पिया दिया को क्यों मारेगी? उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिया मरते ही भूत बन गई थी तो उसने उसी वक्त पिया को क्यों नहीं मारा? और अगर उसकी दुश्मनी पिया के साथ थी तो फिर पिया को छोड़कर उसने अपनी मां को क्यों पजेस किया? ये टेप हमें आधा सच बता रहा है। आई थिंक वी आर मिसिंग आउट समथिंग हियर, जरूर कुछ और बात है। Mm-hmm.
अभी नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ। चलो दिया, हम बाहर खेलने जाते हैं। हाँ चलो। मम्मी मम्मी बाहर खेलने आओ ना हमारे साथ। मम्मी आओ ना। नहीं अभी नहीं, तुम जाओ तुम जाओ। चलो दिया, हम बाहर खेलने जाते हैं। हाँ चलो। बाद माँ पोजेस हुई? हाँ नहीं, माँ पहले से पोजेस थी, दिया के मरने से पहले। तुम्हें कैसे पता? डीवीडी फिर एक बार ध्यान से देखना विक, और उस पार्ट को देखना जहां पिया माँ के साथ है। मम्मी मम्मी बाहर खेलने आओ ना हमारे साथ। मम्मी आओ ना। मम्मी प्लीज चलो। के हाथ में तो कैमरा था, और पिया ने तो कहा था कि वो उसने उसके साथ नहीं थी। इसका मतलब ये पिया है तो ये कौन है? आदित्य, ये आत्मा किसी और की है। You're right, Vic. किसी और की आत्मा, पर किसकी? हम फिर से वहीं आकर रुक गए। We're back to zero, man. देखो विक, अब भी कहीं कुछ रह रहा है। ध्यान से सोचो, तुमने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया? पर क्या हा? क्या मिस कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट्स ओके, इट्स ओके विक, देखो हार मत मानना, हम सच के बहुत करीब है। पिया की जिंदगी टिकी है इस सच पर, और मेरे होने वाले बच्चे की भी। मेरी पूरी जिंदगी इस सच पे टिकी है। The diaries. I'll call you back. Breathe.
बेबी, माय लिटिल बेबी, बेटा, माय बेबी। पिया, पापा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ हाँ बेटे। पापा, उस वक्त आप मम्मा को नहीं बचा पाए ना, और आज मुझे भी नहीं बचा पाओगे। की मां मरने से पहले प्रेग्नेंट थी, तब वो पोजेस्ड थी, और फिर उस आत्मा ने पिया बनकर दिया को मार डाला, और मां को पता चल गया था कि आत्मा सबको मार देगी। इसको रोकना होगा, इसलिए उसने खुद की जान ले ली, और इसलिए जब पिया प्रेग्नेंट हुई तो उस आत्मा ने पिया को भी पोजेस कर लिया, व्हिच मींस वही आत्मा फिर आई है। लाइक आई थिंक दिस फैमिली इज कर्स्ड। इस खानदान में जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो आत्मा फिर आ जाती है। इस खानदान में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो फिर पिया और दिया कैसे पैदा हुए? उस वक्त भी तो कर्स होगा। या यू आर राइट, वीक हमें पिया के डैड से मिलना होगा। यस वीक, मैं जानता हूं आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन डैड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Vic, I need to meet you right now. पिया की माँ के बारे में कुछ पूछना था। तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। डैड, रुक जाओ विक, ये आत्मा सबको मारकर पिया को अकेला कर देना चाहती है। एक ही दरवाजा बचा था, अब तो वो भी बंद हो गया है। There has to be another way. There has to be. Aditya, let's go. I have an idea. It's very important.
कुछ भी, एनीथिंग, प्लीज। शी वॉज इन इंटेंस लेबर, उन्हें इमरजेंसी केस में लाया गया था। रिलैक्स सुजन, सुजन रिलैक्स, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जब हम उन्हें लेबर रूम में ले गए, उनकी हालत और भी खराब हो गई। पुश, 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 हार्डर, सुजन, पुश, पुश इट डाउन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, पुश, पुश, हार्डर, सुजन, पुश, ओके, सुजन, या, कोशिश करो, सुजन, पुश, पुश, ओके, ओके, दैट्स ग्रेट, सुजन, पुश, रिलैक्स, कम ऑन, हार्डर, हार्डर, सुजन, पुश, वन मोर टाइम, सुजन, पुश, ट्विन्स आर ओके, पर आपके तीसरे बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। या तो मैं आपकी बीवी को बचा सकता हूं या आपके तीसरे बच्चे को, डिसीजन आपको लेना है। सुजन, डॉक्टर सेव हर। ट्रिपलेट्स, दिया हमें यह बताना चाहती थी कि ये उसकी उस बहन की आत्मा है जो कभी जन्म नहीं ले सकी। अब जब हमें पता चल ही गया तो हम एग्जॉर्सिज्म क्यों नहीं करते? नहीं विक, इस वक्त एग्जॉर्सिज्म करने से पिया की जान को खतरा हो सकता है। इस वक्त सारी ताकत उस आत्मा में है, वो कुछ भी कर सकती है। अभी उसे छेड़ना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। वो जिद पे अड़ी है और बच्चे जब जिद पे अड़ जाते हैं तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करें आदित्य? यहां क्यों आए हम? ये मेरा वर्कशॉप है विक, हमें उसे यहीं लाकर खत्म करना होगा। पर कैसे? एक रास्ता। पिया के शरीर में है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें उसे उसी के तरीके से मारना होगा। विक, जब भी वो आत्मा किसी और को मारना चाहती है तो वो थोड़ी देर के लिए पिया के शरीर को छोड़कर उस इंसान के पीछे चली जाती है जिसे उसने अपना शिकार बनाया है। इस बार मैं उसका शिकार बनूंगा और जब वो मेरे पीछे आएगी तब तुम पिया को लाकर यहां इस सर्कल के सेंटर में रखोगे। But remember, Vic, चाहे कुछ भी हो जाए, पिया को इस सर्कल से बाहर नहीं निकालना। तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा जब तक ये होली वाटर मेरे साथ है।
ट्विंस या ट्रिपलेट्स एक दूसरे की परछाई की तरह होते हैं। मान लो मिरर रिफ्लेक्शंस, और मिरर्स दूसरी दुनिया के दरवाजे होते हैं विक। मैं उस आत्मा को यहां लेकर आऊंगा, तभी वो पिया के शरीर पर दोबारा काबू पाने की कोशिश करेगी। उसी वक्त हमें उसे मिरर्स में कैद करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। Are you okay? I'm fine. बस तुम पिया को जल्दी से बाहर लेकर आओ। क्या? पिया को सर्कल से बाहर निकालना ठीक होगा? पिया को कुछ नहीं होगा। मैंने उस आत्मा को मार दिया है। लेकिन अब पिया को शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी उसे बाहर लेकर आओ। पिया मेरे बच्चों को आप कोई खतरा नहीं? नहीं, कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा बच्चा, लेकिन उस बेचारी बच्ची के बारे में किसी ने सोचा है? उसकी क्या गलती थी? उसमें भी तो जान थी, वो भी तो इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। पर इसमें किसकी गलती है? उस वक्त कोई भी होता यही डिसीजन लेता। हाँ, पहले उस बाप ने उसे वजूद दिया, और फिर जब वो इस पल का इंतजार कर रही थी कि न जाने कब मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिलेगा, तो उसी ने उसे जन्म नहीं लेने दिया। और फिर जब वो वापस आई, तब उसी की माँ ने बजाय उसे अपनाने के उसे धोखा दे दिया, अपनी जान लेकर। इन लोगों को बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है, इसीलिए इस खानदान में जब भी कोई प्रेग्नेंट होगा वो वापस आएगी। इस खानदान में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की, जान से मार देगी। आदित्य, विक, आदित्य, विक, I'm sorry विक, ये काम अब तुम्हें खत्म करना होगा विक। Oh, me no.
मुझे मारना चाहती हो ना?
It's a baby girl. मंजर में भटके हुए सवेरे हैं. Everybody's crying, everybody's screaming for help, help, help. हंसना है किसको, रोना है, पाना है किसको, खोना है. अब ये तो रब ही जाने बस क्या साथ किसको होना है. आहट है किसको आने की, अनजान से अंधेरे हैं. Everybody's crying, everybody's screaming for help.